सेकेंड सेगमेंट सेटिंग अप फॉर सक्सेसफुल स्ट्रीम्स। तो अभी हमने बात कर ली कि गेमिंग में कैसे अपना लेवल अप करें, बट अब बात करते हैं स्ट्रीम्स में कैसे लेवल अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूज योर राइट प्लेटफॉर्म जहां पे तुम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विच हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस एज ग्रुप का है, क्या कंटेंट देखना पसंद करता है और उस कंटेंट के लिए वो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा चलाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों पांचों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म अच्छा है बुरा है, हर प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स है। मैंने बहुत से क्रिएटर्स को देखा है जो कि यूट्यूब पे बहुत टाइम से वीडियोस डाल रहे थे, बट जब सेम वीडियो उन्होंने फेसबुक पे डाली तो चल गई। और बहुत से क्रिएटर्स ऐसे देखे जो कि ट्विच पे कर रहे थे, फिर वही सेम स्ट्रीम आके उन्होंने यूट्यूब पे करी तो वहां यूट्यूब पे चल गई। तो तुम्हें इस चीज को लेकर रिसर्च करनी है, पता करना तुम्हारा क्या कंटेंट है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है और वो किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा है, उस प्लेटफॉर्म को चूज करके वहां स्ट्रीम करनी है। तो अब आ जाते हैं एक बार इस सेटिंग्स पे। देखो, तुम्हारी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है तुम्हारी स्ट्रीम की क्वालिटी में। मैंने कई बिगिनर क्रिएटर्स को देखा है, इवन स्टार्टिंग में मेरे से भी ये गलती होती थी कि हाँ भाई, हम लोग गेम प्ले वीडियो डाल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं जिसमें गेम का ऑडियो इतना ज्यादा है कि हम लोग बोल रहे हैं बट हमारी आवाज ही नहीं जा रही क्योंकि गेम का ऑडियो बहुत लाउड है। तो थोड़ा सा ऑडियो की लेवलिंग पे वर्क करो, अपने वीडियो फेस कैम के थोड़ा सा बैकग्राउंड को इम्प्रूव कर सकते हो लाइट्स से या फिर किसी ग्रीन स्क्रीन टाइप चीज से, तो वो करो। बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो जिससे कि तुम्हारी स्ट्रीम थोड़ी अच्छी दिखे। बट हाँ, याद रखना, इक्विपमेंट्स एंड सेटिंग्स ये सब बस एक टूल है, असली मैजिक तो तुम्हारे कॉन्टेंट से ही निकल कर आना है और उसी से तुम्हारी स्ट्रीम चलनी है। सो गियर अप, ट्यून इन एंड लेट्स मेक स्ट्रीमिंग ऑसम टुगेदर। Thank you.